నిర్మల్ జిల్లా కూబీర్ మండల కేంద్రంలో గంజాయి విక్రయిస్తున్న ఇద్దరు వ్యక్తులను అరెస్ట్ చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. వారి నుండి 300 గ్రాముల గంజాయిని స్వాధీనం చేసుకున్నామన్నారు. आज पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिला कि कुछ लोग कुबेर मंडल लिमिट में गांजा बेच रहे. इसके अंदर एक पुलिस की टीम फॉर्म की गई अंडर द लीडरशिप ऑफ सर्कल इंस्पेक्टर चंद्रशेखर और साथ में कुबेर एसआई गंगाराम. इसके अंदर पुलिस की तरफ से दो लोगों को अरेस्ट किया. इन दो लोगों में हमने एफ आई रजिस्टर किया अंडर द क्राइम नंबर 79/2021 अंडर NDPS एक्ट. इसमें हमें पुलिस को 1300 ग्राम्स 1.3 kg गांजा हमें मिला है वर्थ ऑफ ₹11,000. इसके अंदर हमने टोटल दो एक्यूज को हमने अरेस्ट किया है. इनके नाम है पवार वेंकट राव इलियास वेंकट रेसिडेंस ऑफ रजनी तांडा कुबेर मंडल और सेकेंड एक्यूज है तुराब खान रेसिडेंस ऑफ ओवैसी नगर. क्या नाम सर? तुराब खान रेसिडेंस ऑफ ओवैसी नगर बैंसा टाउन. इसमें कहा जाए तो बैंसा सब डिविजन में बुद्धल तालुका में नॉर्मली कंजम्पशन जोन है. यहाँ पे बाहर से मोस्टली इछोड़ा और आदिलाबाद या बाकी आंध्र प्रदेश से आके यहाँ पे गांजा बेचते हैं और कुछ लोग कंज्यूम करते हैं और साथ में यहाँ पे कुछ लोग कल्टीवेशन भी करते हैं. स्पेशली कुबेर मंडल का जो सराउंडिंग एरियाज है महाराष्ट्र बॉर्डर को रजनी तांडा चमड़ी विलेज ऐसे एरियाज में यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन आया कि वहाँ पे एक लोकल लेवल पे एक स्मॉल क्वांटिटी में कल्टीवेशन भी किया जा रहा है. इसके अंदर पुलिस की तरफ से इसके आगे भी कॉम्बिंग ऑपरेशन किया जाएगा और इस कॉम्बिंग ऑपरेशन के अंदर हम एक सरप्राइज चेक किए जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट विलेजेस में कि कहीं भी कल्टीवेशन किसी तरह का हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो साथ में जो भी पुलिस की तरफ से इंफॉर्मेशन करते हुए एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जा रहा है कि यहाँ पूरे मुधल तालुका में कौन कौन से लोग हैं जो गांजा कंजम्पशन किए जा रहे हैं. तो ऐसे लोगों को हम पुलिस स्टेशन बुला के उनको प्रॉपरली इंफॉर्मेशन करके उनको प्रॉपरली कंसल्टेशन करें और साथ में फैमिली मेम्बर्स को बुला के उनको प्रॉपरली वार्निंग भी दे रहे. तो मैं चाहता हूँ और सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि कोई भी गांजा या ड्रग्स का सेवन ना करें. तेलंगाना पुलिस की तरफ से एक ड्रग्स फ्री तेलंगाना यानी गांजा फ्री तेलंगाना यहाँ पे स्टार्ट किया है और इसी के अंदर बैंसा पुलिस की तरफ से भी एक स्पेशल मिशन ऑर्गेनाइज करते हुए सभी जो ड्रग पेडलर्स है जो भी हैबिचुअल ऑफेंडर्स है उन लोगों को हम अरेस्ट कर रहे हैं. थैंक यू.